नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, प्रो चांसलर मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एवं चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल। कोरोना के चलते पूरा विश्व परेशान है और ऐसे में मानसरोवर परिवार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं अपने छात्रों की मदद करने के लिए, समाज की व्यापक मदद करने के लिए। इसमें हमने ये अश्योर किया है कि हम लगातार ऑनलाइन क्लासेस अपने टाइम टेबल के हिसाब से लगाएं ताकि छात्रों तक हमारी शिक्षा दीक्षा टाइम पर पहुंचती रहे। हमने इस बात का भी ख्याल रखा है कि जो लोग हमारे यहाँ पे काम करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उन तक हम खाना राशन आदि सामान जो भी हमसे बन पड़े वो समय समय तक पहुँचाते रहें। आसपास के क्षेत्रों में जो गांव हैं, जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों की भी पीड़ा हम लोगों ने देखी और उसको समझा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि उन लोग तक भी दवाइयाँ, राशन और अगर कभी धन की व्यवस्था हमको चाहिए तो कुछ थोड़े बहुत धन की व्यवस्था भी हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों में मानसरोवर के पूरे परिवार का, हमारे सभी लोगों का पूर्ण सहयोग है। उनके द्वारा अपनी सैलरी में से लगातार कुछ ना कुछ दान किया जा रहा है। उसके अलावा संस्था भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके और उनकी मदद कर सके। पिछले 2-3 हफ्तों से, जब से आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई हैं, हम लोगों ने उनके द्वारा प्रस्तावित जो काढ़ा है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उस काढ़े का प्रोडक्शन अपने मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन की रसशाला में करना चालू कर दिया है। करीब 5,050 ग्राम के पैकेट इन काढ़ों के हम आसपास के लोगों तक बांट चुके हैं, जिसमें हमारा सहयोग सेवा भारती ने भी किया है और अन्य दूसरी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हमारा इसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हमारा इसमें सहयोग किया है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसी बड़ी परेशानी है, यह एक ऐसा बड़ा युद्ध है जिसको हम सबको साथ में मिलकर ही लड़ना है, और मैं उम्मीद करता हूँ, ना केवल उम्मीद करता हूँ बल्कि विश्वास है मुझे कि हम इस युद्ध को जल्दी ही जीतेंगे। मीनवाइल आप सब लोग सेफ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें, परिवार के साथ रहें। घर में अगर कोई लोग वल्नरेबल हैं, कोई कुछ लोग जो कमज़ोर हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होने के या इस बीमारी के ज़्यादा रिस्क में हैं, तो उनका खास ख्याल रखें, जैसे बुजुर्ग, बच्चे या जिनको डायबिटीज़ की, हार्ट से रिलेटेड या दूसरे इशूज़ हैं, उनका ज़रूर से बहुत ख्याल रखें। और मास्क पहने, अपने सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें और पेशेंस रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को भी काफ़ी ठीक ठाक रखने का प्रयास करें, क्योंकि इन सब में हम लोग सब अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान दे रहे हैं, परंतु हमारे साइकोलॉजिकल, हमारी मेंटल परिस्थितियां कैसी हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारी अभी कुछ ऐसी दुखद खबरें भी सुनने में आ रही हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इस कोरोना का ना केवल आदमी पर फिजिकल असर हो रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा मेंटल और साइकोलॉजिकल असर भी हो रहा है। आप सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा, घर पर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जल्दी ही हम इस बीमारी से निजात पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।